Bismillah Rahman ar-rahim Assalamu alaikum everyone. Hope so you are all will be fine. Welcome to our YouTube channel Rose Psychist. Today is the subject of psychology is counseling psychology and myself Khadija Mubin. Warmly welcome all of you in the ninth lecture of counseling psychology. The ninth lecture is counseling based on Beck's cognitive theory. And these contents of this topic is definition, what is the major goal of Aaron Beck's cognitive therapy. What is the first step in Aaron Beck's cognitive therapy to help the client? What is Beck's cognitive theory summary? The definition of Beck's cognitive therapy The goal of Beck's cognitive therapy is to help identify and alter the schemas or distorted beliefs, to improve behavior and experiences, and to help clients live happier and healthier lives. बेक्स को थेरेपी का मकसद ये होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के जितने भी डिस्टॉर्टेड बिलीव्स होते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करते हैं कि जितने भी उनको अपनी लाइफ में आने वाले जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो उनको किस तरह से उन चीज़ों का सामना करना चाहिए किस तरह से उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए उनके बिहेवियर बिहेवियर uh, में आने वाली नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ की जाती है जिसका मकसद ये भी होता है कि वो जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी मदद करें कि वो अपनी जो ज़िंदियाँ हैं उन्हें अच्छे से गुजारें और हेल्दी गुजारें जैसे कि इसकी एग्जांपल यहाँ से ली जाती है कि जो बैक था उसने ये अपनी कॉग्निटिव थ्योरी में एक ट्राई ट्रायंगल मतलब कि तीन किस्म के ट्रायंगल्स में उसने जो भी नेगेटिविटी सिचुएशंस थी उनको एक्सप्लेन किया था जिसमें फ़र्स्ट आ जाता है नेगेटिव व्यू अबाउट दी सेल्फ़ कि जैसे कि उन्हें अपने सेल्फ़ के बारे में ये नेगेटिव थॉट्स आती थी कि वो अच्छे नहीं हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते देर डू नॉट एनीथिंग नेक्स्ट आ जाता था नेगेटिव व्यू अबाउट दी वर्ल्ड वर्ल्ड से रिलेटेड उनकी नेगेटिविटी क्या आ जाती थी एग्जांपल ये है कि एवन हेट्स मी बिकॉज आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग कि वो समझते थे कि उन हर कोई उनसे नफरत करता है क्योंकि वो इस तरह से मतलब कि कुछ भी कर नहीं सकते तो नहीं आता था कि दुनिया भी उनके बारे में ऐसे ही सोचती है कि वो उन्हें पसंद नहीं करते और ये तो बस नालायक है और कुछ कर नहीं सकता तीसरा ये रहता था कि उन्हें अपने फ्यूचर के हवाले से क्या नेगेटिविटी आती थी कि वो ये सोचते थे कि हम कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते हम सिर्फ हमेशा फेलियर ही रह सकते हैं हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते एंड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज़ वट इज़ मेजर गोल ऑफ आय बैग कॉगनेटिव थेरेपी बैक्स मूव हिज पेशेंट फ्रॉम द काउस टू अर चेयर वेयर ही वर्क विद दैम टू एग्जामिन देयर ऑटोमेटिक थाट्स एंड आइडेंटिफाई कॉगनीटिव डिस्टोर्शंस बाय हेल्पिंग पेशेंट्स कुरेक्ट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाइसिस ही वॉज एबल टू हेल्प दैम फील बेटर एंड इंगेज इन मोर एडेप्टिवियर्स बैक ने अपने मरीजों को सोफे से ही कुर्सी पर मुंतकिल किया जहाँ इसने इनके साथ इनके जो भी ऑटोमेटिक थाट्स थी उनकी जो भी आ, उनके ख़याल आते थे उनकी मतलब कि उनको आइडेंटिफाई करने और जो भी उनके जो थी कॉग्निटिव डिस्टोर्शन थी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए काम किया मरीजों की मालूम के जो भी नेगेटिव प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के बाइसिस थे उनको आ, दुरुस्त करने में मदद करके वो उनको बेहतर महसूस करने और मज़ीद ऐसे आ, जो भी आ, उनके बिहेवियर्स थे उनको उनके तर्ज अमल में मशगूल होने में मदद करने के लिए बहुत काबिल था वट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एर एंड बैग थेरेपी टू हेल्प द क्लाइंट लर्निंग टू आइडेंटिफाई नेगेटिव ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकॉट्स एरन बैग थेरापटिक अप्रोच बिगन विद द लुक एट द नेगेटिव ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकॉट्स डेट इम्पैक्ट द इंटरनल मेंटल प्रोसेस ऑफ द इंडिविजल दीज थाट्स आर बिलीव टू इम्पैक्ट बिलीव एंड बिहेवियर लीडिंग टू डिप्रेशन अब जैसे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट बताया जा रहा है कि एरन बेक्स की जो कॉग्नीटिव थेरेपी है वो किस तरह से क्लाइंट की मदद करती है तो वो इस तरह से मदद करती है कि जो भी उनकी नेगेटिव ऑटोमेटिक थाट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है उनको उनकी शिनाख्त की जाती है मतलब कि मनफी खुदकार ख्याल की शिनाख्त करना उसको सीखना हर जो कि यहाँ पे आयरन बैक की थेरापटिक अप्रोच है इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि सबसे पहले जो है उनके जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं उनको उनके इंटरनल मेंटल जो प्रोसेस है जो भी इंसान है उनके मेंटल जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है उसके ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है उस नेगेटिविटी का क्या असर हो रहा है और फिर जो कि ये सारी सोचें होती हैं उनका उनके बिलीव्स पर उनके बिहेवियर पर किस तरह से इम्पेक्ट हो रहा है किस तरह से वो अपने आ, लीड कर रहे हैं डिप्रेशन की तरफ इन सब चीज़ों से इसकी जो ये थ्योरी है इसका जो ये फ़र्स्ट स्टेप है वो इस तरह से क्लाइंट का क्लाइंट की जो है मदद करता है कि उनके उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है कि इसकी थेरेपी से ये जो एक थेरेपिस्ट होता है वो ये जान लेता है कि जो भी नेगेटिविटी है उनके बिहेवियर पर किस तरह से इम्पेक्ट कर रही है उनके थॉट्स पर उनके बिलीव्स पर किस तरह से उनका असर हो रहा है और किस तरह से उनकी जो मैंटेलिटी लेवल है वो डिस्टर्ब हो रही है और मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ जाई जा रही है एंड द लास्ट कंटेंट ऑफ द बैक कॉग्निटिव थ्योरी द लास्ट कंटेंट इज़ समरी अब जो बैक ने कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में जितना भी एक्सप्लेन किया था उसका एक छोटा सा मतलब कि उसका समरी uh, जो थी उसने uh, दी थी वो ये थी कि बैक क्लेम डैट कॉग्नेटिव बाइसिस एंड नेगेटिव सेल्फ मेंटेन दी नेगेटिव ट्राइड आ नेगेटिव एंड इरेशनल व्यू ऑफ अवर सेल्वस ऑवर फ्यूचर एंड वर्ल्ड अराउंड अस फोर सफर्स ऑफ डिप्रेशन दीज थॉट्स अकर ऑटोमेटिकली एंड आर सिम्पटोमेटिक ऑफ डिप्रेस पीपल अब उसने जो ये समरी दी थी तो उसने ये दावा किया था कि जो भी हमारे जितने हमारे सेल्फ़ स्कीमास होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव बाइसिस को और जो भी नेगेटिव सेल्फ स्कीमास हैं वो मेंटेन रखते हैं हमारे नेगेटिव ट्राइड को जैसे कि मैंने पीछे फर्स्टली uh, uh, हम लोगों ने स्टार्टिंग uh, में ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो बैग थी थ्री नेगेटिव ट्रैड थे उसने उनको एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट देन मैं फिर इस समरी में एक दफ़ा फिर से आप सबको समझा दूंगी और साथ ही उसने ये भी कहा था कि ये जो हमारे नेगेटिव और इरेशनल व्यू होते हैं हमारे अपनी ज़ात से रिलेटेड ये हमें आ, फ्यूचर में सेट नहीं होने देते और ये हमारे फ्यूचर और हमारे जो वर्ल्ड है हमारे इर्द गिर्द दुनिया में हम इधर उधर देखें तो हमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव नेगेटिविटी हम खुद ही अपने अंदर उसको अपने माइंड में भरते जाते हैं और उसको अपने ऊपर हावी करते जाते हैं और इसने साथ साथ ये भी कहा था कि जो भी डिप्रेशन में खुद को उसमें उसको सफ़र कर रहा है उस चीज़ में अपने आप को उसने आ, ढाला हुआ है उस चीज़ का शिकार है तो वो कहता था कि ये जो खयालात हैं ये खुद ब खुद पैदा होते हैं और अफसरदा लोगों की अलामत हो जाते हैं अब जैसे कि इसने हमें जो पीछे नेगेटिव uh, ट्राइड के तीन स्कीमास जो हम, उसने हमें दिए थे पहला तो ये था कि uh, उसे ये अपने हवाले से अपनी ज़ात के हवाले से यही थॉट्स रहती हैं कि वो उन चीज़ों को मतलब कि नहीं कर सकता वो कर ही नहीं सकता कोई भी चीज़ है कोई उसने कुछ भी करना है तो उसे होगा कि मैं ये नहीं कर सकता अब अगर वो दूसरी चीज़ के दुनिया की तरफ देखता तो उसे लगेगा कि दुनिया भी मेरे बारे में यही सोचती है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता अब जैसे कि बैक ने तीन जो नेगेटिव ट्राइड थे उनको एक्सप्लेन किया था पहला था कि वो अपनी जात से रिलेटेड मतलब कि उसे अपने पे अपने सेल्फ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है नेक्स्ट था कि दुनिया उसके बारे में क्या कहेगी मतर हमारे में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों का ख़्याल करते हैं कि मैं ये करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को बहुत ही लो लेवल पर ले आती हैं जिनकी वजह से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल लूज़ कर चुके होते हैं थर्ड पर हमारे पास जो था नेगेटिव प्राइड वो उसका फ्यूचर आ जाता था कि उसे लगता था कि वो अपने फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर सकता वो अपने फ्यूचर में ना तो कामयाब हो सकता है ना ही कोई ऐसी ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकता है कि वो उस चीज़ के लिए विल Will, विलिंग नहीं वो अपने आप को उस चीज़ के लिए समझ पाता वो पहले से ही इतना डर चुका होता है और इतनी ज़्यादा खुद से ही नेगेटिव थॉट्स इतनी ज़्यादा सोच ली होती है कि कहता है कि मैं अपने फ्यूचर में कुछ भी सिक्योर नहीं कर सकूँगा मैं अपने फ्यूचर में जिन जो लोग उससे जुड़े हैं जिनकी उससे खुशियाँ जुड़ी हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा अपने लिए कुछ नहीं कर सकूँगा अपने पाँव पर हरगिज़ खड़ा नहीं हो सकूँगा तो ये जो नेगेटिव थ्री नेगेटिव ट्राइड्स है ये कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द के अगर हम खुद भी देखें तो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं हमारे बहुत से ऐसे करीबी हैं लोग जो हमें अजीज़ होते हैं तो देखें तो कहीं ना कहीं उनमें से भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो इन थ्री नेगेटिव ट्राइड में सरवाइव कर रहा होता है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंसते जाते हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं आके उनको डिप्रेशन पर ले जाती है जाहिर बात है जब वो उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करेगा उसे स्ट्रेस होगा स्ट्रेस के बाद उस के जो ये लेवल है वो एंजाइटी पे लीड कर जाएगा एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाएगा तो ये बेहतर है उसके लिए कि वो इन चीज़ों को सोचने की बजाय उस चीज़ के लिए कोशिश करें और इन नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करें में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है कि उसके अल्फाज ही उन इंसानों के लिए बहुत बड़े मेडिसिन बन जाती है कि उनका समझाया हुआ उन्हें इतना अच्छा समझ आता है इतना अच्छा रिलैक्स उनको करता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से नेगेटिव थॉट्स से निकल कर उन अपने जो सक्सेसफुल जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जितने भी हमारे प्यारे हैं जो हमें अजीज़ हैं अपने दोस्त रिश्ते जो भी आप लोगों को अजीज़ हैं अगर वो इन चीज़ों में सर्वाइव कर रहे हैं तो आप उनकी काउंसलिंग करें उनकी कहीं ना कहीं छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करके उनकी थेरेपी करें क्योंकि जो ज़ुबान के आपके अल्फाज होते हैं ना वो किसी भी इंसान के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होते हैं तो आपको चाहिए कि ऐसे पर्सनस की उसे समझाएं ताकि वो इन चीज़ों की तरफ ना जाए इन चीज़ों में वो लीड ना करें और यहीं पर ही आज के हमारे जो बैक कॉग्निटिव थेरेपी के टेक्निक्स थी वो ख़त्म हो गई हैं और हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया है और आई होप्सो आप सब को कॉग्निटिव थ्योरी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप कहीं ना कहीं इसको अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास के लोगों को देखकर उन पे अप्लाई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा उम्मीद करती हूँ आज का भी लेक्चर आपको पसंद आया होगा ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच